अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। देख, प्लीज, क्या तू मेरे कहने से ये काम नहीं करेगा? मैं भीख मांग रही हूँ राजवी, ये देख, तू प्लीज करण को बचा ले, उसे तेरी जरूरत है। और कितना कहूँ, और क्या चाहता है, और कैसे कहूँ? प्लीज राजवी, भीख समझ के दे दे, प्लीज राजवी। मैं तेरे कदमों में हूँ, देख ले मुझे, कुछ तो तरस खा राजवी, प्लीज बचा ले, किसी की जान का सवाल है। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तेरी आंखों की शर्म कहाँ गई, तू कितना बदल गया। ठीक है राजवी, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि किसी का खून बह रहा है, तो फिर करण का खून बहे या प्रीता का, क्या फर्क पड़ता है? छोड़ दे राजवीर मुझे, अगर तू करण की मदद नहीं कर सकता तो मेरी भी करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दे। कुछ नहीं होगा, करण लूथरा, द ग्रेट करण लूथरा, मैं आपको बचाना नहीं चाहता था, आपको अपना खून नहीं देना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि आपका और मेरा ब्लड मैच करता है,
वरना सबको पता चल जाता और फिर आपके मन में वही बात आती जो मैं नहीं चाहता कि आपके मन में आए, कि आपका और मेरा कोई रिश्ता है। क्योंकि कई बार आपने मुझे मेरी माँ के साथ देखा है। मेरे मुंह से कई बार गलती से माँ निकल गया उनके लिए, पर आपने मुझसे सवाल भी पूछे। आपको पता भी है जब बस का एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी माँ की जान खतरे पे आ गई थी। माँ की मासी, मासी मेरी माँ जैसी ही है। मैं आपके मन में कोई भी शक नहीं बोना चाहता था कि मेरा और आपका कोई भी रिश्ता है, वरना आप तो बहुत स्मार्ट है, सबसे ज्यादा स्मार्ट है आप। अगर आपको पता चल जाता कि आपका और मेरा कोई रिश्ता है तो आपको सारी बातें पता चल जाती, आपको वो सारी बातें पता चल जाती जो मैं नहीं चाहता कि आपको पता चले। इसलिए मैं आपको अपना खून नहीं देना चाहता था। और आपको खून ना देने की दो वजह थी। एक वजह यह कि मैं नहीं चाहता था कि आपको सच पता चले, और दूसरी वजह जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है वो ये कि मुझे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। नफरत करता हूं मैं आपसे। आज मेरी माँ की जो हालत है ना, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप है। तो मिस्टर करण लूथरा, मैं यहाँ पर आज आपको बचाने के लिए आया हूँ, सिर्फ अपनी माँ के लिए, अपनी माँ को बचाने के लिए। मेरी बेचारी माँ, अरे उन्हें तो पता भी नहीं है कि आप उनके पति हैं। वो टूट गई है, टूट के बिखर गई है, पता है उसकी वजह क्या है? क्योंकि क्योंकि उनका दिल आज भी आपके लिए धड़कता है। उन्हें कुछ याद नहीं, उन्हें अपना अतीत बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन उनका दिल, उनकी आत्मा, उनका दिमाग जैसे जैसे जन्मों से आपको जानते हैं। मुझे आपको बचाना होगा और आपको उठना होगा। मैं आज खून देकर आपकी जान बचाऊंगा, लेकिन आपकी जिंदगी उसके बाद नर्क बना दूंगा मैं, नर्क। खून देकर आपको एक नई जिंदगी तो दूंगा, लेकिन उस जिंदगी को जीने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। और आपको उठना पड़ेगा, उठ के देखना पड़ेगा, मुझे आपसे बदला लेना। और मैं बदला लेकर रहूंगा। मेरी माँ को इस हालत में देखकर मेरे अंदर जो आग जल रही है ना, उस आग में जलेंगे आप। जला के रख दूंगा मैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।